दोस्तों एक सवाल जो कि ज़्यादातर कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहा है, कॉल्स को लेकर। अगर आप डिफॉल्ट कर चुके हो लोन लेकर, कॉल नहीं उठा रहे हो, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कॉल हमें उठाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आरबीआई का रूल्स क्या कहता है यहाँ पर। अगर आप लोग यहाँ पर कॉल नहीं उठाते हो तो आरबीआई क्या कर सकता है, क्या यहाँ पर जो है आपका पनिशमेंट है, या फिर कॉल उठाते हो तो क्या हो सकता है। इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो वीडियो पूरा एंड तक वॉच करेगा बिना स्किप किए। दोस्तों अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इससे जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन पर मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर अगर मानो आप लोग लोन लेकर डिफॉल्ट कर चुके हो, डिफॉल्ट करने पर ही ये लोग जो है आपको परेशान करते हैं। अगर आप मानो टाइमली पेमेंट करते हो तो ये लोग कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप एक भी रुपया ओवरड्यू कर चुके हो तो उसी के लिए आप लोगों को 50 बार कॉल्स आएगा। तो यही कॉल आप लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर आप लोग उठाते नहीं हो, या फिर मैं वीडियोस के थ्रू जो भी बोलता हूँ कि आपको उठाना नहीं है, क्योंकि उठाओगे तो वो गाली देगा। तो बेफालतू में गाली खाने का क्या है, आपके पास पैसा ही नहीं है, पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हो तो फोन उठाने पर आपको गाली देगा। अब यहाँ पर वो लोग जो है बोलते हैं आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों के ऊपर हम एक्शन लेंगे, अगर आप फोन नहीं उठा रहे हो तो हम जो है ये करेंगे वो करेंगे फलाना ढिमकाना, ये सब सुनने को मिलता है। आरबीआई में क्या सच में ऐसा कुछ लिखा है कि अगर आप कॉल नहीं उठाओगे तो आप लोगों के ऊपर कुछ ऐसा होगा? तो आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कोई भी ऐसा गाइडलाइंस नहीं है कि अगर आप फोन नहीं उठाते हो तो यहाँ पर आप लोगों के ऊपर आरबीआई कुछ एक्शन लेगा, या फिर जो है लीगल एक्शन जो है ये कंपनी वाले आपके ऊपर ले सकता है। कॉल्स अगर मानो आप लोगों को कोई परेशान कर रहा है, आपको एक चीज़ समझना है, आप किसी को एक बार बोल दिए कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, रीज़न क्या है वो आपने वहाँ पर बात बात बता दिए, वहाँ पर वो उसने नोट कर लिया, फिर से वो कॉल करके आप लोगों को वही बात पूछने का उसका मतलब क्या है? यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ ये बार बार फ़ोन क्यों आता है ना आप लोगों के पास, आप लोगों को शायद पता नहीं है। आप लोगों के पास जो भी एजेंट कॉल करता है ना, हर बार आप लोग देखिएगा अलग अलग एजेंट कॉल करेगा। मतलब क्या है, उसके पास एक रीज़न हुआ, अब बोलेगा कि भाई तुम देखो ये तुम कॉल करो, तुमको क्या रीज़न देता है वो देखो, तो देखेगा वो मैच करेगा कि हाँ सभी के पास सेम रीज़न जा रहा है या फिर जो है अलग अलग रीज़न जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो लोग जो है आप लोगों को परेशान करेगा, परेशान करेगा, कोई लीगल एक्शन नहीं लेगा। आप लोगों को लग सकता है कि कॉल नहीं उठाऊंगा तो ये लीगल एक्शन ले लेगा। अगर आप आरबीआई का टोल फ्री नंबर पर अगर कॉल करके बोलोगे ना, वो खुद बोलेगा कि आप फ़ोन मत उठाओ, पैसा जब होगा रिपेमेंट कर देना। अब आरबीआई का एजेंट अगर खुद बोल रहा है यहाँ पर तो डर किस बात का है, आरबीआई तो उस सबके ऊपर है ना, ये एनबीएफसी बीच में है, तो आप लोगों को एनबीएफसी परेशान कर रहे हैं। अब आरबीआई यहाँ पर बोल दिया है कि आपको कुछ करने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, तो आप लोगों को डर किस बात का है? अगर आपको विश्वास नहीं है तो टोल फ्री नंबर जो भी है अगर आप उसमें कॉल करोगे 1-444-8 या फिर 1-444-0 तो आप लोगों को सब कुछ जो है पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। कोई भी दिक्कत नहीं है, एजेंट हैरेसमेंट करेगा भाई उसका काम है, ठीक है। कंपनी को पता है कि अगर मैं कोर्ट में जाऊँगा केस करूँगा, कोर्ट में केस लड़ते लड़ते कितना साल जो है बीत जाएगा वो पता नहीं है, पैसा भी नहीं मिलेगा। वो लोग यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए, इंस्टेंट पैसा जो है तुरंत दो तुरंत लो, इंस्टेंट पैसा जो है वो लोग कमाने के लिए आए हैं। अब वो कोर्ट में जाकर इतना समय उनके पास नहीं है भाई, वो कोर्ट में जाके आपके ऊपर केस करेगा, आपको स्पेशल जो है उनके पास नहीं होगी भाई, आप ही जो स्पेशल हो, आपका ही आपके ऊपर केस करेगा और आप ही लोग जो है पैसा वापस करोगे तो उनका सब पैसा वापस हो जाएगा। आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर डिफॉल्टर है, तो लाखों करोड़ों लोग अगर डिफॉल्टर है तो सभी के ऊपर केस कर पाना जो है पॉसिबल थोड़ी है, आप लोगों को ये समझना है। तो अगर मानो लाखों करोड़ों लोगों को अगर केस दे देता है, कितने सारे कोर्ट हैं हमारे इंडिया में और वो केसेस लड़ते लड़ते कितना साल लग सकता है, आप लोग समझो चीज़ को। अगर कोई बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो डेट पे डेट पड़ेगा, डेट पे डेट पड़ेगा। वैसे केस करता नहीं है, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, तो डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर मानो आप लोगों के मन में ये डर है कि भाई कॉल नहीं उठाऊंगा कोई एक्शन ले लेगा, कोई भी एक्शन नहीं लेगा भाई, वो लोग जो है अपना काम नहीं कर पा रहे, फ़ोन नहीं उठाएगा तो काम नहीं कर पा रहे ना, वो काम कैसे करेगा? फ़ोन उठाएगा गाली देगा तभी ना उनका काम बनेगा। डराने का मतलब है उनसे जो है उनका मोटिव है भाई डराओ, जितना हो सके कस्टमर को डराओ, डराओगे इतना इरिटेट कर दोगे, इतना जो है उन लोगों को फ्रस्ट्रेटेड कर दोगे, वो डर के मारे बोलिए या फिर जो है इरिटेट होकर बोलिए वो पैसा वापस कर देगा, ठीक है। वो हर एक इंसान को डराते हैं, चाहे वो मजबूरी में हो चाहे वो जानबूझकर कर रहा हो, सभी को जो है सेम तरीके का जो है परेशानियां जो है देता है, सभी जो है सभी को जो है सेम तरीके का डिप्रेशन स्ट्रेस में डाल देते हैं। तो आप लोगों को एक ही चीज़ समझना है कि आप लोग लोन लिए हो, टाइम आपको चाहिए तो खुद से टाइम लेना हो, चाहे 1 साल हो 2 साल हो 3 साल हो, वो आपके ऊपर है। कंपनी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इतने सालों से बहुत सारे लोग जो है अभी तक जो है डिफॉल्टर है, पेमेंट नहीं किया है एक भी पैसा, तो वो लोग अगर उन लोगों के साथ कुछ नहीं किया है तो आप लोगों के साथ क्या हो जाएगा? बेफालतू में डरना बंद करो। आप लोग अगर डरोगे तो ये लोग डराएगा, वो चीज़ आप लोग मत दिखाओ उनको कि भाई आप डर रहे हो। डरना बंद करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को इससे छुटकारा मिल जाएगा। अगर छुटकारा मिल गया तो आप लोग समझ लीजिए आप लोग भाई इससे निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइम लेकर पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी आपको पेमेंट करना नहीं है, वो बोलेगा बहुत सारी चीज़ें, कॉल्स उठाना नहीं है, लीगल नोटिस फाड़ के फेंको, मैं पहले भी बोलता था अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत यहाँ पर आने वाला नहीं है।
दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और डर कम हो गया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।